हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकमिसा टेक मीटर्स। हम लोग जिस शेयर के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं, अडानी पावर लिमिटेड है। देखिए, हम लोग इसी में ही बन के चल रहे थे, बाकी किसी भी कंपनी को मैं अडानी के इतने डिस्कस नहीं किया था। भले ही अच्छा रिटर्न दिया जिन लोगों को दिया, और अभी हम लोग अडानी पावर को डिस्कस करने वाले हैं। क्वार्टर फोर के फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ बेहतर थी, हम लोगों ने अच्छा टारगेट भी लिया, इसमें हिट भी हुआ, प्रॉफिट बुकिंग भी की। उसके बाद भी अभी क्योंकि लगातार गिरावट है, तो अब क्या करना चाहिए? अभी इसमें जो या तो फंस गए हैं ऊपर पे बाई करके, या जो इसमें फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं क्योंकि काफी गिरावट है, तो क्या बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सभी को समझते हैं इस वीडियो में। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए, मेन चीज होता है, आप लोगों का यही कमेंट होता है कि टारगेट बताइए, शॉर्ट टर्म टारगेट बताइए। अरे वीडियो तो पूरा देखा करो, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई है, तो अभी हम लोग इसको समझते हैं कैसा अभी परफॉर्म कर रहा है। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वाली में जब अडानी न्यूज के बारे में एक्सप्लेन किया था, तब मैंने उसी के अंदर बता दिया था आप लोगों को कि अब इसमें गिरावट की जो चीजें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि न्यूज का जो भारी है अभी, न्यूज का जो परला है, क्योंकि जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो काफी बड़े हैं, तो उसकी वजह से लगातार अडानी पावर में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और अभी करंटली आ चुका है 114 रुपीज पे। ठीक है टेस, इसी बीच में मेरे को जाना पड़ गया था, दो दिन के लिए मैं था नहीं अवेलेबल ऑफिस पे, जिसकी वजह से मैं सभी चीज़ों का डाटा चेक फोन पे इतना कुछ अच्छे से हो नहीं पाता है। फिर भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि गिरावट इसमें बहुत देखी जाएगी। 131 तक का था दो दिन का, दो दिन कल भी नहीं अवेलेबल था मैं, आज भी नहीं हो पाया, वरना मैं आपको वापस से अपडेट कर देता कि और नीचे जाएगा। करंटली देखिए गिर चुका है, मैं आपको ऑलरेडी कह रहा था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लगातार तीन मौके दिया है शेयर ने आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि पहली बार था। देखिए 9 जून, 10 जून, उसके बाद 11 जून, तीनों दिन आपको मौका दिया है शेयर ने कि प्रॉफिट बुक करके निकल लो। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसमें गिरावट रही, बीच में थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी बाइंग रही है, क्योंकि ये गिरावट इतनी देखने के बाद जाहिर सी बात है कुछ लोग इसमें बाई करेंगे ही, और अभी लगातार देखिए इसमें जो है गिरावट इसमें देखी जा रही है। तो अब अगर चीजें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि बेहतर हो गई हैं, जस्ट एक न्यूज आई थी, मैं आपको वो बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है, कि अडानी पावर ने कहा है इसार पावर क्रेडिटर अप्रूव रेवोल्यूशन प्लान टू सबमिट बाई कंपनी। ये कोई इसार पावर है, उसने अप्रूव किया है क्रेडिटर प्लान करने का। तो वो देखिए अभी डील का कुछ इतना न्यूज का इतना भी कुछ नहीं है जब तक नंबर नहीं आ जाते। ठीक है, तो आप न्यूज को ये नहीं कि पॉजिटिव न्यूज है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव में हो जाए, नेगेटिव न्यूज है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए। आजकल मार्केट में वही होता दिखाई देता है कि थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज, किसी ने कुछ ट्वीट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने चलिए छोड़िए नहीं बोलते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उसका प्राइस का एक्शन दिखने लग जाता है। ये सब खेल है बस, एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला है। जैसे कि अभी देखिए पेप्सी के साथ हुआ था, पेप्सी कह रहा हूँ, कोक के साथ हुआ था, जब 4 बिलियन मार्केट कैप उनकी डाउन हो गई, तो उसी तरीके से रहता है। अब देखिए इसमें मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही, जब हम लोग इस रैली को पकड़े हुए थे, मैं आपको कह रहा था कि ये जिस तरीके से ग्रो हुआ है उसी तरीके से ही गिरते हैं शेयर, क्योंकि आपको मैं बताऊं हमेशा ऐसे ही होता हुआ आ रहा है, और ये इसका पहली बार नहीं है, पर इस बार के जो बार हैं वो बहुत फास्टली गिर रहे हैं, क्योंकि बैड न्यूज थी, वरना तो करेक्शन देखने को मिलती तो हम लोग 130 तक का लेके चल रहे थे। अगर सब कुछ सेम रहता, सिंपल रहता, मतलब ऐसी कोई बैड न्यूज नहीं रहती तब भी करेक्शन आती, ऐसा नहीं है कि शेयर लगातार भागता रहता और करेक्शन ना आए, फिर भी इसमें करेक्शन देखी जाती, पर आपको मैं बताऊं तो वो करेक्शन जो है रुक जाती एक पॉइंट आके, वो 130 अराउंड नजर आ रहा था, बट बैड न्यूज उसके वजह से लगातार अभी भी डाउनफॉल शुरू है। अब देखते हैं कहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता है और क्या फिर रेजिस्टेंस बनते हैं, क्या टारगेट निकलते हैं। तो हमने फाइनेंशियल तो ऑलरेडी क्वार्टर फोर के नतीजे डिस्कस कर रखे हैं। देखिए अगर कोई गेम कर रही है, स्कैम कर रही है कंपनी, तो वो डाटा कोई काम का है नहीं, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई डाटा खराब पहुंचा सकता है। बट हाँ, अगर वो उस डाटे को हम सही मारे, क्योंकि उसको सही ही मान के चलेंगे अब तक, देखिए क्योंकि उसी की वजह से सारी ग्रोथ थी। ठीक है, अगर वहां पे भी कुछ होगा तो उनके साथ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने ऐसे फॉल्ट डाटा पेश किया होगा या जो भी रहा होगा,
चलिए अभी हम लोग इसी को समझते हैं कि करंटी क्या नजर आता है। तो 112.65 कल का पॉइंट है, अगर रिवर्स होने का होता है तो ये होगा, आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है निकलने के लिए। और देखिए हमने रैली पकड़ा था 104.90 से और 163 तक 145 तक गया, और बट उसके बाद बैड न्यूज लगातार, देखिए बेयरिश बार बन के, ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको मौका नहीं देता एग्जिट होने का, 3 डेज लगातार मौका दिया है और बहुत अच्छी लोगों ने एग्जिट भी लिया है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आपको हमेशा न्यूज के साथ अपडेट रहना चाहिए। तो फाइनली देखिए अभी इसमें जो भी प्रोसेस है बन चुकी है, अब आप लोगों को अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो अब हम लोग वेट करेंगे इसका, क्योंकि न्यूज का अभी भी बोलबारा बना हुआ है। तो फ्रेश एंट्री अभी जो है वो 96.70 पे, और जो भी बाई कर रखे हैं हाई पोजिशन पे, अभी भी जो लोग एग्जिट नहीं किए हैं उनके लिए सिंपल सा रहेगा, क्योंकि आपने डिलीवरी पे ले रखा है तो आप ये सोचिए कि अब मेरे जो पैसे हैं वो 1 ईयर के लिए फंस गए हैं, होगा फ्यूचर में रिकवर, तो आपको ये सब आपको इससे पेशेंस लेवल और डिसिप्लिन और इंक्रीज होगा। तो आप लोग इसको उस तरीके से इन्वेस्टमेंट समझ के छोड़ दीजिए, बिल्कुल स्टॉप लॉस पे एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़े स्तर पे, तब अगर आपको सही लगता है कि हम लोग इतना स्टॉप सह के निकल सकते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। बट हाँ देखिए मार्केट है, वापस से रिकवरी जरूर आएगी, कंडीशन बेहतर होगी। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी का जो बिजनेस चल रहा था वो ठप हो गया है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओवरऑल यही था अपडेट, पेशेंस बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है वापस से रिकवर कर ही लेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ईयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।